प्लीज़ ज़रा तो नहीं, क्योंकि मैं दांत दर्द से बहुत परेशान हो रखी हूँ, क्योंकि मेरे ना इतनी स्वेलिंग हो गई कि मैं अभी चाय पी रही थी मैं तो, मैं इसके साथ बिस्किट खा। अभी ना मैं और निक्की जा रहे हैं शिवम मोमो खाने के लिए। हरी सब्जी सुधार के बास्केट में रख दिए, इतनी अच्छे से मैंने सुधार दिए हैं। और इसके जो भी हमारे घर में अक्सर आती रहती है, भक्कन लाल के समोसे, भक्कन लाल की जलेबी, गर्मा गर्म स्वादिष्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम ग्रेस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे मेरी तरह। मेरी तरह तो नहीं, क्योंकि मैं दांत दर्द से बहुत परेशान हो रखी हूँ, क्योंकि मेरे ना इतनी स्वेलिंग हो गई कि मैं अभी चाय पी रही थी मैं तो, मैं इसके साथ बिस्किट खा रही थी तो मैं इससे ना ये करके चबाया भी नहीं जा रहा था मेरे दांतों से। मुझे स्वेलिंग हो गई है अभी अंदर से की तरफ से, जबकि मैंने सुबह उठते ही फ्रेशन अप होके फिर मम्मी ने बोला इसमें थोड़ा सा पहले तो नमक और पानी से कुल्ला करेगी और उसके पहले नमक और तेल को ऐसे करके उसमें रगड़, मसूड़ों में रगड़ने की वजह से भी ठीक हो जाता है। मैंने वो भी किया, उसके बाद मैंने फिर गर्म पानी से कुल्ला भी किया, क्या पता थोड़ी देर तक बैठ जाए। पर मैंने उसके बाद क्या बोलते हैं चाय वगैरह पी, बता नहीं सकती हूँ कि बहुत मतलब बिस्किट नहीं खाए जा रहे थे मुझसे, चाय तो लिक्विड होता पी गई तो मुझे इतना अजीब लग रहा था बहुत ज़्यादा। अभी मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ, थोड़ी देर बाहर टहलती हूँ घूमती हूँ, उसके बाद नहा धो के नाश्ता वगैरह करके पैक करके हम चले जाएंगे अपनी स्टिचिंग क्लास। और स्टिचिंग क्लास में वही मेरा जो पेंडिंग वर्क है वो करूँगी, फिर एक मैं कटिंग करने के लिए सूट लेके जा रही हूँ वो भी कट करूँगी। देखते हैं बाकी आज दिन भर क्या होने वाला है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और आप देख ही सकते हो कितना प्यारा से सूर्योदय हो चुका है, कितना अच्छा व्यू है मॉर्निंग का। और सीरियसली अब जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, ठंड ही लग रही है। अभी तक तो मैं अंदर कंबल ओढ़ के बैठी थी, बाहर आई तो कंबल के साथ नहीं आ सकती थी तो इसलिए दुपट्टा ढक के लाई। गर्मी ही नहीं लग रही, ठंड लग रही है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ना आज का जो मेरा दिन का काम है जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पहला काम दिन का है, वो है तोरी की सब्जी काटना। तो मैं तोरी की सब्जी काट लेती हूँ। ये वैसे बनेगी अभी नहीं, बनेगी दिन में हमारा, तो ये दिन में बनेगी और दिन में बनाएंगे इसलिए। लेकिन इन्हें कटने में थोड़ा टाइम लगता है, पील करो फिर धो फिर छिलो फिर इसको कट करो, इसीलिए मैं इसको अभी कट करके चली जाती हूँ। अभी टाइम बहुत है, सिर्फ 7 बज रहा है। तो मैंने मम्मी से कहा यार तुम्हारी इतनी मदद कर देती हूँ, तुम्हें यही हेल्प हो जाएगी। तो मैं सुबह सुबह मेरी जो आज पहला काम है दिन का वो है तोरी की सब्जी कट करना। क्लास जाने के लिए मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ, पहन लिया है पिंक कलर का सूट, बैग कर लिया है तैयार, वाटर बॉटल रखना बाकी है क्योंकि बिना वाटर बॉटल के तो जाना मतलब ठीक नहीं लगता है ना, प्यास लग जाती है। फिर पानी पानी पानी, इससे अच्छा है कि घर से लेके चलो पानी। यार ये पानी तो ठंडा हुआ नहीं है तो मैं नॉर्मल पानी ले आना पड़ेगा, तो मैं लेके जाऊंगी टैप वाटर नॉर्मल वाला, फिर उसके लिए मैं ढूंढूंगी बोतल। मम्मी बोतल दे दो यार। आराम से निकाल अभी पापा। अच्छा तो फिर टाइम है पापा को जाने में, तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ आधा घंटा। हाँ तो मैं आधा घंटा लेट हो गई हूँ, सब्जी बनाई थी मैंने तो मम्मी के लिए, आंटी के यहाँ चाची के यहाँ थोड़ा थोड़ा दिया, तो ये देखिए मैंने आज ये वाली सब्जी बनाई थी आलू की। मोस्टली मैंने नोटिस किया है कि एक ट्रे दो यार, मैं दोनों हाथ में कैसे पकड़ के ले आऊंगी, ये वाली दे दो। तो ये चाची के लिए और ये आंटी के लिए, तो ये रख लिया मैंने और मैं जा रही हूँ लेने के लिए क्योंकि अभी टाइम है, पापा मुझे छोड़ेंगे। पापा थोड़ा जल्दी करो, फिर अब 9:30 हो गया, 9:30 तो यही हो गया। घर कितने बजे आओगे आप? नीचे तो देखे आते हैं। और आप मुझे आधा घंटा लेट हो गया, पर कोई नहीं है हो जाता है कभी कभी लेट, हमेशा टाइम पे तो नहीं जा सकते ना कभी कभी, क्योंकि आज लड़ाई हुई थी पड़ोस में यहाँ। कौशल भाई साहब आलू, कौशल भाई साहब को दे दिया, अब जाते हैं दूसरे भाई साहब के यहाँ, सौरभ भाई साहब के यहाँ दे के आते हैं। सौरभ आंटी कहाँ हो? अभी ना मैं और निक्की जा रहे हैं शिवम मोमो खाने के लिए, क्योंकि वहाँ के मोमो का टेस्ट मुझे लग चुका है, बहुत टेस्टी थे। तो 2-3 दिन से मैं और निक्की ये बोल रही थी कि वहाँ के, निक्की बोल रही थी वहाँ के गोलगप्पे टेस्टी है, मैंने बोला मोमो, तो आज हम लोग जा रहे हैं
उससे पहले आए हम पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने के लिए, तो पेट्रोल भरवा लेते हैं। उसके बाद निकल पहुंच गए शिवम रेस्टोरेंट और अब हम यहाँ आके निकी करेंगे पार्टी। पार्टी ये देखो ये वाला बंद है, यहाँ हमने खाने थे क्या खाने थे गोलगप्पे, ये तो बंद है, कोई बात नहीं हम अंदर जाते हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ खाते हैं आराम। तरफ देखते हैं अंदर क्या क्या है। बैठो निकी फ्रंट पे ही ले, कहीं पे कुछ भी अच्छा नीचे है, मैं कहाँ गई बैठ जाते। तो गाइस ये आया तो ये है हमारा अभी का थोड़ा बहुत, हम लोग मोमो खाने आए थे, मोमो तो अभी आ रहे बट फिर हमने दो चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डर कर ली क्योंकि हमें गोलगप्पे तो मिल नहीं रहे शायद, बट अब इंजॉय करते हैं अपना टेस्टी सब बेवरेज। हम पधार चुके हैं अपने निवास स्थान, निवास स्थान में पधारने के बाद अब हमारी माताश्री हमें कह रही है कि भोजन ग्रहण करो भोजन ग्रहण करो, पर हम उनको समझा समझा के थक गए कि माताश्री हम बाहर से खाकर आए हैं, पर माताश्री की तृप्ति माताश्री को ये यकीन दिलाने के लिए कि उनके हाथ का बनाया हुआ भोजन बहुत स्वादिष्ट है हम थोड़ा थोड़ा चख लेंगे, लेकिन पापा पिताश्री लेके आए हैं जलेबी तो हम चावल को खाली चम्मच से चख लेंगे। ओ और उसके बाद हम खाएंगे भुक्कल लाल की फेमस जलेबी जो भी हमारे घर में अक्सर आती रहती है, भुक्कल लाल के समोसे भुक्कल लाल की जलेबी गर्मा गर्म स्वादिष्ट, तो इसे हम स्वाद करेंगे अति स्वादिष्ट। परंतु हमारे इस दंत में अति पीड़ा होने के कारण हम उचित मात्रा में खाना ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं, ज्यादा नहीं खा पा रहे हैं, तो इतना ही हम खाना खाएंगे और इसके बाद हम विश्राम करना पसंद करेंगे गाइस। ये पूजा दी के साथ रहने का, पूजा दी के साथ रहने का उनकी संगत का असर है जो हमें इतनी अच्छी, हमारी मातृभाषा हमें इतनी अच्छी तरह से आ रही है, थैंक यू पूजा दी। और तो अब हम चलते हैं थोड़ा थोड़ा माता की आज्ञा का पालन करते हैं और हम खाते हैं थोड़ा थोड़ा भोजन इतना सा मतलब टेस्ट के लिए क्योंकि पेट भरा हुआ है, मोमो खा लिया स्प्रिंग रोल खा लिया थोड़ा सा चाउमीन ले ली तो उससे भर जाता है। तो हम लोग मतलब पहाड़ी करके आए हैं मैं और निकिता, मम्मी को बताया, मम्मी कह रही यार खा थोड़ा तो खा जैसे ही खाती है खा, मैंने बड़े मन से बना रखा, तुम लोग ऐसा ही करते हो हमेशा। यहाँ दर्द हो रहा है दांत में अंदर और स्वेलिंग भी आ रही है, अगर आप देख पाएंगे तो मेरे ना इस गाल से ये गाल में थोड़ी स्वेलिंग है ये देखो ये। चलो कोई नहीं ये भी आई रही अक्ल, पता नहीं शायद आ जाए जल्दी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैं अभी शाम का टाइम हो गया, पहले मैं उठी, उठ के मैंने थोड़ा सा बैठी, फिर थोड़ा मैं किचन पे जाके देखती थी आज क्या बनना है, तो फिर मैं आगे इग्नोर क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर पापा यहाँ पे लेके आए हरी सब्जी, अब मैं लेके आती हूँ बाहर अंदर से दे दे यहाँ पे बैठ के ना, ये घर की फिर से हरी सब्जी निकाल दी है यहाँ पे रखी है, मैं इसे भी साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले मैं इसके लिए लेके आती हूँ एक बास्केट, उस बास्केट में मैं इसको वो करूँगी, एक बास्केट में ना इसको कट करेंगे और कट करने के बाद नहीं सॉरी वो करेंगे सफाई कर देंगे क्योंकि आज नहीं बनेगा या कल बनेगा मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे हरी सब्जी बेहद 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 पसंद है, तो मैं ये बास्केट लेके जा रही हूँ, बास्केट में मैं उसको साफ करके रख देती हूँ और तब तक क्या करेंगे यार वो हाँ फिर शाम के खाता हूँ उसकी सब तैयारी करेंगे खाने पीने के लाइक क्या बनना है कैसे बनना है। तो फिलहाल मैं बैठ के आराम से वो कर लेती हूँ ये इसकी तैयारी कर लेती हूँ, उसको साफ कर लेती हूँ उसके बाद और काम की तरफ देखते हैं रुख मोड़ते हैं, सफाई करेंगे हम हरी सब्जी की। अब जो चीज़ हमें पसंद है उसके लिए मेहनत भी तो हमें ही को करनी पड़ेगी, जैसे कि हमें ये हरी सब्जी पसंद है तो ये हरी सब्जी को साफ भी तो मुझे को करना पड़ेगा, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, तो मैं इसको सफाई करके रख दूँगी और कल सुबह इसका मम्मी सब्जी बनाएगी। यहाँ पे ना हरी सब्जी
सुधार के बास्केट में रख दिए, इतनी अच्छे से मैंने सुधार दिए हैं। और इसके ऐसे करके बनाया, अब सुबह कट करने के लिए आसान रहेगा। फिर इसको अच्छे से धोकर, मतलब बहुत, क्योंकि मुझे हिस्से भी पसंद भी है। और ये अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर दी, एक एक पत्ता पत्ता अलग करके मैंने साफ़ किया। ऐसे ऐसे करके देखे मैंने लेयर कितनी अच्छे अच्छे से बनाई हुई है इसकी। और यहाँ पे निकला ये कूड़ा करकट, ये भी गाय भैंसों के उसमें चला जाएगा। इसको लेके मैं अंदर चली जाती हूँ। तो डिनर मेरा डन हो चुका है, खाना पीना खा के मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ। मैं खाना पीना खा के थोड़ा मैंने वो किया, मैं मम्मी के साथ बातें कर रही थी, फिर थोड़ी मैं वॉक करके आई हुई बाहर से, उसके बाद अंदर आके बैठी हूँ। मैंने आज डिनर पे क्या किया ना, मतलब क्योंकि मेरे ये यहाँ दर्द हो रहा है और अब ये दर्द इतना बढ़ता जा रहा है कि मुझे पेन ज़्यादा हो रहा है। पेन का मतलब, ज़्यादा होने का मतलब है कि मुझे यहाँ से ना कुछ चबाया नहीं जा रहा, और खाने के टाइम पे ना यहाँ पे सबसे मांस जो मोटा हो चुका है वो मेरे लग जा रहा है। तो मैंने मम्मी को बोला मैं बिल्कुल भी रोटी नहीं खा सकती, तो मैंने जीरा राइस बनाया। भैया को भी, भैया ने भी वही खाया, उसका मैं भी खाऊंगा क्योंकि भैया को भी हमारे यहाँ चावल ज़्यादा पसंद है। तो दिन में भी मैं तो खा के आई थी बाहर से, मैंने तो इसलिए मोमो वगैरह खाए थे, और भैया ने भी नहीं खाया घर आके। मैंने भी नहीं, मम्मी से कहा था हाँ हाँ मैंने खा लिया करके, तो मैं चली गई थी बट मैंने नहीं खाया था। तो जीरा राइस बनाया और रस वाली सब्जी थी तो अच्छा हो गया। तो फिर हम लोग, मैं तो उसी के साथ खाया धीरे धीरे, चावल को इतना तो चबाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, आराम से खा लिया। तो खाया गया थोड़ा बहुत खाना, रोटी तो मैं बिल्कुल नहीं चबा पाती, मेरे इतना पेन हो रहा था यहाँ। अब मैं दूध पी हूँ, मम्मी ने मेरे दूध बना दिया है, अब मैं दूध बन गया। मैं दूध पी के रेस्ट करूँगी, सोती हूँ, थोड़ी देर एडिटिंग करूँगी, उसके बाद रेस्ट करूँगी। आई होप गाइज आप सभी को हमारा आज का ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ। हमारा ये ब्लॉग चैनल पूनम के इस ब्लॉग्स को खूब प्यारा, खूब ज़्यादा सपोर्ट करें, प्यार दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में जो कल आएगा, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ना बहुत मायने रखता है हमारे लिए।